कुमारों का, यादवों का और तमाम जातियों का अपमान करता है। होनी चाहिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये है कौन? अच्छा बात नहीं है। किसने इस अनर कोचर को ये अधिकार दे दिया? ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, इस व्यक्ति को तो आप जानते ही होंगे। हाँ जानते ही होंगे, नाम है राम भद्राचार्य, जो अपनी अभद्र भाषाओं की वजह से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? यह व्यक्ति घोर जातिवादी है, घोर सामंती है दोस्तों। यह प्रधानमंत्री के साथ बैठकर कहता है कि मुझे आंख गाड़ नहीं चाहिए, कि मैं बस ब्राह्मण जाति में पैदा होना चाहता हूँ। लेकिन उसी खुले मंच से चमारों का, यादवों का और तमाम जातियों का अपमान करता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण जाति में आने वाले दीक्षित और पाठक जैसी जातियों को भी यह नीच जाति कहकर पुकारता है। शर्म करो, भगवान से डरो। दोस्तों हाथरस में जो घटनाएं घटी है वो बेहद ही दुखद है। मरने वाले परिजनों के साथ हमारी भी संवेदनाएं है, लेकिन वहां पे मौतें हो रही थी, प्रशासन परेशान था, सबूत ढूंढ रहा था, लेकिन इस अनर कोचर की अलग ही डिमांड चल रही थी। कह रहा था कि हाथरस में प्रवचन कहने वाले, सत्संग कहने वाले सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा एक नीच व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति अगर कथा कहेंगे, प्रवचन कहेंगे तो मौत तो होगी ही ना। अच्छा, सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा को फांसी की सजा होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। आपको सूचना नहीं थी, और ये मनमुखी बाबा था राक्षसी, बाबा था राक्षसी। जब पापी सत्संग करेगा तो मरेंगे ही लोग, पापी की कथा सुनेंगे तो मरने ही मरना है। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए महाराज जी? उस पर फांसी होनी चाहिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये है कौन? अच्छा बात नहीं है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वकील है, जज है, ये क्या है? किसने इस अनर कोचर को ये अधिकार दे दिया? ये बड़ी अच्छी बात कही है कि तुम दूसरों के लिए फांसी की सजा की मांग करो, इनकाउंटर की मांग करो, चाहे जिसको भी नीच व्यक्ति बोल दो। किसने इसको अधिकार दे दिया है दोस्तों? इस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि यहाँ पे संविधान चल रहा है, मनुस्मृति नहीं, कि राजा के दरबार में खड़े होकर बोल दिए कि राजा जी इसको हाथी से कुचलवा दो, और राजा ने कुचलवा दिया। ठीक है, और ये जिस प्रकार से सूरज पाल जाटव उर्फ भोले बाबा के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है, इनकाउंटर की मांग कर रहा है, उनको नीच बोल रहा है, पापी बोल रहा है, अगर मैं भी ये मांग करने लगूं कि राम भद्राचार्य को फांसी दे दो, कैसा लगेगा? तब तो हमें पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि हम दलित हैं दोस्तों। ये वही लोग हैं जिसने महाज्ञानी शंभु ऋषि की साजिश के तहत हत्या कर दिया था, और फिर तमाम तरह की कहानियां गढ़ दिया कि वो तो पेड़ से उल्टा और लटक रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, समझ रहे हो? चलो यदि मान लो हाथरस कांड के लिए सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा को फांसी की सजा हो सकती है और ये मांग कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी फांसी की सजा की मांग करनी चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्योंकि उसके पंडालों में भी सैकड़ों लोगों की, दर्जनों लोगों की मौतें हो चुकी है। बात तो सही है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में भीड़ की वजह से 1.5 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम दिव्यांशी था, वह घुट घुट कर मर गई। इसने कितने बार धीरेन्द्र शास्त्री के लिए फांसी की सजा की मांग की, और कितनी बार इसने धीरेन्द्र शास्त्री को नीच बोला, कितनी बार बोला? दूसरा, राजस्थान के बाड़मेर में धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में 10 साल की मासूम बच्ची की भीड़ की वजह से घुट घुट कर मौत हो गई। बताओ इसने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कितनी बार मौत की सजा की मांग की, कितनी बार उसका कहा कि इनकाउंटर हो जाना चाहिए, कितनी बार इसने धीरेन्द्र शास्त्री को नीच बोला, कितनी बार बोला? और ये नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने गई एक 35 साल की महिला, जिसको उसके सेवकदारों ने उसे अलग हटा दिया, बैठा दिया जहां पर वो पति के सामने ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, मर गई। कितनी बार धीरेन्द्र शास्त्री के लिए इसने फांसी की सजा की मांग की? 4 महीने में ही धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल से 21 लड़कियां गायब हो गई, और 7 महीने में 30 लड़कियां गायब हो गई। कितनी बार इसने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए फांसी की सजा की मांग की? मैं कह रहा हूं कि हाथरस में जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर साजिश की गई है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, और मेरे पास कुछ सबूत है, उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन दूसरी वीडियो में, ठीक है? और हाँ, अगर जांच होनी चाहिए, अगर बाबा भी दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन ये कहोगे कि हाथरस में जो लोग मरे हैं उसके लिए तुरंत उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए, इनकाउंटर हो जाना चाहिए, नीच बोल दोगे, पापी बोल दोगे, अगर ऐसी बातें हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को भी नीच बोलना चाहिए, उसको भी पापी बोलना चाहिए, और उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। और अभी मैंने देखा किसी आंडू पांडू नाम का व्यक्ति
ब्राह्मण जाति से है, वो कह रहा है कि जो सूरजपाल जाटोर को भोले बाबा की गर्दन काट के लाएगा उसको मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। अब एक बात बताओ, उसने तो इन लोगों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, मगर ये लोग इनाम काहे रख रहे हैं? खैर रखेंगे काहे ना भैया, क्योंकि ये उसी पुष्पमित्र शंकु के वंशज है ना, जिसने बौद्धिष्टों की गर्दन काटने पर स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखता था। अभी एक दिन मैं इनाम रख दूं कि कोई राम भद्राचार्य की गर्दन काट के लाया क्योंकि उसने दलितों का अपमान किया था, तो मैं उसे 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। क्योंकि गर्दन काटने का इनाम सिर्फ यही लोग रख सकते हैं, इन्हीं लोगों का अधिकार है, हम लोगों को नहीं है भैया। तो मीडिया जिस प्रकार से कह रही है कि बाबा के चरण की धूल लेने के लिए लोग उसके पीछे भागे और इसी वजह से भगदड़ मची और मर गई, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाबा जहां पे सत्संग कर रहे थे और जहां से उठकर अपनी गाड़ी में गए वहां तक कारपेट वाली वो जो चटाई होती है वो बिछाई गई थी, यहां तक कि उसके नीचे ईंट के खड़ंजे थे, यानी ईंट की सड़क बनी हुई थी। तो यानी कि जब उसके ऊपर मिट्टी का एक कण भी नहीं था तो लोग पैरों की धूल कैसे ले लेंगे, यानी ये भी चीजें गलत है। यानी बाबा के खिलाफ यदि अभी सबूत मिल जाते हैं तो भाई कार्रवाई करो, लेकिन फालतू की बातें इस तरह के अनहर कोचे व्यक्ति करने लगे कि उनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए, तो व्यक्ति नीच व्यक्ति है, ये शोभा नहीं देता है। ठीक है।